this question when fx is 1, condition is x less than equal to 0. When f of x is 2, when x greater than equal to 0. तो आपको JEE मेंस में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको ग्राफ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो ग्राफ जो आप बनाओगे इसका 0-1 वैल्यू होगा, एक्स का वैल्यू जब 0 और उसका लेस देन होगा उसका मान होगा 1, तो 0-1 वो होगा। यहाँ पर देखो सर्कल है, क्लोज्ड डार्केंड सर्कल, ओके दिस सर्कल डार्क सर्कल रिप्रेजेंट्स इन व्हेन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2, कंडीशन इज एक्स ग्रेटर देन 0। जब एक्स ग्रेटर देन 0 होगा एफ ऑफ एक्स का वैल्यू होगा 2। तो इसको ग्राफ में आपको एक हॉलो सर्कल, ओके सर्कल बीच में कुछ नहीं रहेगा, हॉलो सर्कल रिप्रेजेंट करोगे, ये रिप्रेजेंट होगा, ये रिप्रेजेंट होता है आउट, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम में, आपको जो जेई मेंस में क्वेश्चन आता है ये ग्राफ बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो लिमिट, आप इस अगर इस फंक्शन का लिमिट लोगे 0 से लेस देन जब होगा तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आ रहा है 1, तो लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स टुवर्ड्स 0 माइनस इक्वल्स 1, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स टेंड्स टू 0 प्लस इक्वल्स 2, ओके। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हियर, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल, यहाँ पर वैल्यू 1, यहाँ पर वैल्यू 2। तो इस तरह कंडीशन अगर दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वैल्यू अलग होता है तो वी से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। क्योंकि हम अगर लेफ्ट की तरफ से हम एस 0 की तरफ आ रहे हैं उसका वैल्यू कुछ और दिख रहा है, जब राइट हैंड साइड से एक्स का वैल्यू 0 की तरफ आ रहे हैं उसका वैल्यू कुछ और दिख रहा है। तो हम ये लिमिट में ही है तो हम फील करते हैं, वी अज्यूम दैट द बोथ आर डिफरेंट, सो मैथमेटिशियन से दैट वी हैव टू से इट इट इज ए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन ऑल द फंक्शन इज डिफाइंड, फंक्शन यहाँ पर डिफाइंड हो रहा है कहाँ, किस पॉइंट पर, 0.4, ठीक है। लेकिन लिमिट यहाँ पर एग्जिस्ट, हम लिमिट को एग्जिस्ट करने, लिमिट डिफाइन नहीं हो रहा है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड मेथड जो होगा, मान लीजिए पहले आप क्या करोगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके लिमिट का देखोगे, अगर 0/0 फॉर्म में नहीं आ रहा है डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, लिमिट का मान निकालो। अगर उसके बाद देखोगे अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट करने के बाद 0/0 फॉर्म में आ रहा है देन वी डू फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मतलब क्या है, उसमें कुछ ऐसे ऊपर नीचे ऐसे कुछ होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ ऐसे होगा, उसको आप अगर मिड टर्म स्प्लिट करोगे या कुछ रीअरेंज कर दोगे तो आप देखोगे ऊपर नीचे कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप वैल्यू पुट करते हो लिमिट का वैल्यू तो इट विल नॉट कम एज ए 0/0 फॉर्म, इट विल गिव सर्टन वैल्यू, ओके। फॉर दिस एग्जाम्पल देखो यहाँ पे लिमिट ऑफ एस स्क्वायर माइनस 5x+6 अपन एस एस क्यू माइनस 2s² एज एक्स टेंस टू 2, ओके। तो इसमें देखो ऊपर नीचे कुछ, हम आप देखोगे कुछ नीचे ऐसे, इसको तो पहले मिड टर्म स्प्लिट करोगे, ठीक है, आप जानते होंगे ये 10th क्लास में, उसको थोड़ा सा यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन करने से 6s² मिल जाएगा और एडिशन में होगा -5x, तो आपको ये इस तरह आपको इस तरह मिलेगा s² -2x -3x+6, मिड टर्म स्प्लिट करने से ये आ जाता है। और इसको थोड़ा अगर आप देखोगे थोड़ा किस टर्म को थोड़ा रीअरेंज कर दोगे, जैसे मैंने यहाँ s² ले लिया कॉमन तो बचा x-2, तो आपको आ जाएगा ऊपर हो जाएगा x-2
into x minus 3 upon s square minus x minus 2. ओके अब क्या करो, अब देखो x ऊपर जो है x माइनस टू, नीचे x माइनस टू, कैंसिल आउट, बचा क्या x माइनस थ्री अपॉन एस स्क्वायर। अब लिमिट वैल्यू पुट करो, आपको आंसर आएगा माइनस वन अपॉन फोर। ठीक है, बस कुछ नहीं, एग्जाम में जो टाइम मिलता है पहले आप देख लो कि जीरो बाई जीरो फॉर्म डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से आ रहा है, अगर आ रहा है देन डू दिस मेथड। बस कुछ नहीं, कुछ मिड टर्म स्प्लिट करना है और कुछ रीअरेंज करने से कुछ कैंसिल आउट, ऊपर नीचे कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। उसी फैक्टराइजेशन मेथड पे हम सेकेंड एग्जांपल ले रहे हैं। मान लीजिए आपको दिया गया है लिमिट ऑफ थ्री एस स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टेन अपन एस स्क्वायर माइनस फोर एज एक्स टेंस टू टू। तो इसमें आप बस पहले का फैक्टराइजेशन करो, आपको प्रोडक्ट होना चाहिए 30, एडिशन होना चाहिए माइनस वन। तो थ्री एस स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस टेन, ये नीचे देखो डिनोमिनेटर में जो है ये एस स्क्वायर, ये टू का स्क्वायर, तो एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला। तो मैंने पुट किया एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू। तो इसको अगर थ्री एक्स कॉमन ले रहे हो एक्स माइनस टू, इसमें अगर फाइव कॉमन आ रहा है एक्स माइनस टू, ठीक है, तो आपका हो जाएगा लिमिट ऑफ एक्स माइनस टू इंटू थ्री एक्स प्लस फाइव अपन एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू एज एक्स टेंस टू टू। ऊपर एक्स माइनस टू, नीचे एक्स माइनस टू, कैंसिल आउट, बाकी बचा कितना थ्री एक्स प्लस फाइव अपन थ्री एक्स प्लस टू। अब अगर यहाँ पे एक लिमिट का वैल्यू टू पुट करते हो तो आपको कितना आ रहा है, ये हो गया थ्री इंटू टू सिक्स, ये प्लस फाइव अपन टू प्लस टू, तो इलेवन बाय इलेवन अपन फोर। ओके सो बस आपको फैक्टराइजेशन मेथड बहुत आसान है, पहले आप जैसे पुट करोगे वो पहले जीरो बाय जीरो फॉर्म आएगा, तो आपको आपको तुरंत ही रखना है कि मुझे फैक्टराइजेशन करना है। उसके बाद जैसे नीचे ऊपर नीचे कुछ रीअरेंज करोगे, कुछ मिड टर्म स्प्लिटिंग स्प्लिट करोगे, कुछ इस तरह कुछ कॉमन लोगे, तो ऊपर नीचे कैंसिल आउट कुछ हो जाएगा, उसके बाद जो लिमिट पुट करोगे आपको कुछ वैल्यू आएगा। ठीक है।